नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर करने जा रहे वो है फॉरेस्टर का, कटहरी नंबर 12, मॉर्निंग सेशन, सीरीज है सी। क्वेश्चन नंबर एक, जो कि हिंदी भाषा से है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? आंसर इसका बी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर दो, इनमें से कौन कवि द्विवेदी युग का है? डी, गया प्रसाद शुक्र स्नेही। क्वेश्चन नंबर तीन, जो कि ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से पूछा गया है, कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है? आंसर इसका डी, क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर चार, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? आंसर इसका डी, भक्ति में योग के समान कृत साधना नहीं है। क्वेश्चन नंबर पाँच, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर इसका बी, ए का चार, बी का एक, सी का दो, डी का चार, पाँच। क्वेश्चन नंबर छः, नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक स्थापना ए और उससे संबंधित एक तर्क आर दिया गया है, दोनों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना ए, आंतरिक संवेद भावों की रसग्राही अभिव्यक्ति कविता है, तर्क आर, क्योंकि कविता लोकरंजन से जुड़ी हुई है। आंसर इसका बी, ए सही है, आर सही है। स्थापना ए। क्वेश्चन नंबर सात, दंड कोप का एक ही विधान है तर्क, क्योंकि दंड से कोप समन होता है। आंसर इसका बी, ए सही है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित मुहावरे के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। तीन लोक से मथुरा नारी, आंसर इसका सी, जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर नौ, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? आंसर इसका सी, शांत रस। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, बी रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हिंदी लैंग्वेज से है, ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, इन द पैसेज द ऑथर, आंसर इसका बी, डिफेंड द मल्टीलिंगुअल सिचुएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द रीजन वाई देयर आर मैनी डायलैक्ट्स इन इंडिया इज, आंसर इसका डी, इलिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 13, द ड्रविड़ियन लैंग्वेज हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई संस्कृत दिस, आंसर इसका सी, ब्रिंग्स दैम क्लोज टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, आंसर इसका बी, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री विद नॉट टू मैनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15, द यंग बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव वाज वेरी प्रेसी पेस्यूज, आंसर इसका डी, अनरिलायबल। क्वेश्चन नंबर 16, थ्रो अवेयर ऑफ द क्राइम्स ही रिमाइंड इनपेंटेंट थ्रो आउट, आंसर इसका ए, रिपेंट। क्वेश्चन नंबर 17, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स आर गिवन, आफ्टर द सेंटेंस सेलेक्ट द वर्ड विच यू कंसिडर मोस्ट अप्रिट फॉर द ब्लैंक स्पेस, एन अकॉम्प्लेंस इज ए पार्टनर इज, आंसर इसका ए, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश नेचर वुड नॉट लेट हिम लीव हिज ऑफिस बिफोर 5 PM, आंसर इसका ए, होनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सी अपब्रेडिड द लिटिल गर्ल हु गोट फ्राइटेंड, आंसर इसका सी, स्क्लॉडेड। क्वेश्चन नंबर 20, मोहिंदर अमरनाथ हैज हैड पेंचेंट फॉर हुक शॉट्स, आंसर इसका बी, इंक्लाइनेशन।
क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? आंसर इसका बी 33%। सही विकल्पों के संयोजन को चुनिए। आंसर इसका डी शीत ऋतु रवि और नवंबर से अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में 6.771 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत है 20.60%। 1000 mm से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है? आंसर इसका बी बांस। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे जल स्रोतों के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कृषि के कौन से कार्य जिम्मेदार है? आंसर इसका ए 2 और 3, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और रासायनिक खाद्य का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक वृक्ष है? आंसर इसका डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27, निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आंसर इसका सी गेहूं। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? डी मध्य प्रदेश। जोजोवा है, जीरोफिटिस, लकड़ी का प्रतिरोधक उपचार क्यों किया जाता है? लकड़ी के प्रतिरक्षण के लिए। 31, खालिस्तान इंडियन गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है? आंवला। सवर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है लीची की। बॉम्बेक्स सिवा कहलाता है? सी सैमल। प्रतिरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? आंसर है ए जनवरी से फरवरी। क्वेश्चन नंबर 35, फिजिक नट के नाम से जाना जाता है जेट्रोफा डैश बायोड्रेनेज स्पीसीज के लिए उपयुक्त है? सी यूकेलिप्टिस टेरेटिकोर्निस। 37, यदि आप हिमालय की तरफ की यात्रा कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा पौधा प्राकृतिक रूप से उपजता हुआ दिखाई देगा? बलूत, रोडोडेंड्रन, चंदन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर इसका डी उपयुक्त सभी। 38, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान खालिस्तान गैस का होता है? ए CO2। नोनी का वानस्पतिक नाम है? बी मोरिंडा सिट्रीफोलिया। 40, एजेडिरेक्टिन मुख्य रूप से खालिस्तान वृक्ष से प्राप्त होता है? डी नीम। निम्न में कौन सी चारा फसल नहीं है? सी सूडान घास। क्वेश्चन 42, निम्न में कौन सा पौधा धान के खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक के विकल्प स्वरूप उगाया जाता है? आंसर है एजोला फ्रन। क्वेश्चन 43, सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। 44, राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ था 2008 में। एकेशिया सेनेगल किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? कुमट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए जासी में। अत्यधिक सिंचाई के कारण कभी कभी उर्वरक बह जाते हैं और पौधों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता या होती है? बी जल प्रदूषण। सुबोल वृक्ष का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? बी मैक्सिको। लाक की खेती के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है? डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सा त्रिद्वीप में हवा नहीं सह सकता? त्रिद्वीप और हवा नहीं सह सकता। सी खीरा। खीरा जो कि त्रिद्वीप और हवा नहीं सह सकता। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? बी 3%। निम्न में कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र का सहयोग नहीं दे रही है? सी एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रशिया UK। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर इसका सी। इनमें से कौन कबड्डी का खिलाड़ी है? राममेर। ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन से मूर्तिकार प्राकृतिकवाद पर जोर देते हैं? बी यूरोपीय। क्वेश्चन नंबर 56,
सूची एक को दो से सुमलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर इसका ए, ए का है 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 57, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इसका सी 2 और 3, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। 59, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? डी कैथल में। क्वेश्चन नंबर 60, डिल्ला है एक, आंसर बी घास, डिल्ला एक घास है। क्वेश्चन नंबर 61, साहित्यकार साहिब सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर आएगा इसका डी, उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, इसमें सत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 65, भौंकने वाले हिरण किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? आंसर का सी कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन 63, हरियाणा में किस स्थान पर खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? आंसर इसका ए गुरुग्राम। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय है? डी 20। निम्न में कौन सा तीर्थ रामायण और रावण से संबंधित है? बी कालेश्वर तीर्थ। भीम पुरस्कार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? डी यह पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर इसका ए, ए का 2 बाबा लदाना कैथल, हटकेश्वर रत्ताखेड़ा जींद, अन्नपूर्णा तीर्थ रामराय जींद, पुष्कर तीर्थ कुलताजपुर महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 और 2 का मिलान करना है और सही विकल्प चुनना है। आंसर इसका ए, जगत सिंह प्रतीक्षा, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त खोया हुआ गांव, कमलेश चतुर्वेदी यहाँ सब चलता है, प्रमोद दत्त संविधान सभा में हरियाणा। कचनार निम्न में से किस प्रकार के वन की विशेषता है? उपोषण कटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है? सी गुरुग्राम। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? बी गीत गाजाकर एथलीट। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2003 को। आंसर इसका डी। राज्य के किस स्थान में एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? आंसर इसका डी भिवानी में। संजीवनी निम्न में से क्या है? सी वृक्ष। नल दयमंती और राजा भोज नाटक है? सी दीपचंद की। क्वेश्चन नंबर 76, एक कक्षा में 2/3 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, बचे हुए छात्रों में से आधे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं और शेष बचे 10 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? आंसर इसका बी 10 छात्र। विषम संख्या या शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 77, दिन पक्ष पंचांग और महीना, आंसर इसका सी पंचांग, जो कि इनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 78, 15/46, बी 12/37, सी 9/28, डी 8/33। आंसर इसका डी 8/33, जो कि इनसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 79, 120, 168, 290 और 380, आंसर इसका डी 380, जो कि इनसे भिन्न है। 11, 13, 15 और 17, इनसे भिन्न है 15, जो कि इन तीनों से अलग है। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के प्रत्येक ओर केंद्र की ओर मुख करके दो दो व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सम्मुख है। डी जिसका मुख उत्तर की ओर है ठीक एच के विपरीत बैठा है, ई एच के तुरंत बाय बैठा है, ए और जी एक ही मेज एक ही ओर बैठे हुए हैं, जी बी के भी ठीक विपरीत बैठा है और सी के तुरंत बाद बैठा है, ए डी के बाद बाय बैठा है।
क्वेश्चन नंबर 81, ए के सम्मुख कौन बैठा है? आंसर इसका डी सी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? आंसर इसका बी सी का मुख पश्चिम की ओर है। घड़े की दिशा में ए के बाद कौन बैठा है? आंसर इसका बी बी बैठा है। ए के विपरीत कौन बैठा है? सी एफ, एफ बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी उन व्यक्तियों की जोड़ी है जो पहले व्यक्ति के साथ उसी की तरफ बैठा है तथा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाईं तरफ बैठा है? आंसर इसका डी ए और जी। नितिन 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वां स्थान प्राप्त करता है, नंतिम से उसका स्थान कितना है? आंसर इसका डी 32वां। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तितली, दो कोया, तीन अंडा, चार कीट। आंसर इसका डी 3 4 2 1। सबसे पहले अंडा, फिर कीट, फिर कोया और फिर तितली। क्वेश्चन नंबर 88, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 5 8 और आंसर इसका सी 13। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 13। 89, 4 और 9 6 9 16 12 16 और 20 क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना क्या आएगा? आंसर इसका बी 25। क्वेश्चन नंबर 90, एफ आई ओ ए जे के ई एम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा आर। आंसर इसका बी आर। क्वेश्चन नंबर 91, निष्कर्ष बताना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष संख्या 1 और 2 के रूप में आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य होने के तौर पर लेना होगा। भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निष्कर्ष को पढ़िए और फिर सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। निष्कर्ष को पढ़िए और फिर सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को छोड़कर कौन सा दिया गया तर्क संगत निष्कर्ष दिए गए दोनों का अनुसरण कथनों का अनुसरण करता है उसे बताइए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कथन, सभी कलम सड़क है, सभी सड़कें घर है। निष्कर्ष, एक सभी घर कलम है, दो कुछ सड़कें कलम है। आंसर इसका बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 92, अधिकांश शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। निष्कर्ष, कुछ छात्र लड़के हैं, दो कुछ शिक्षक छात्र हैं। आंसर इसका ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 93, कथन, कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई गेंद विकेट नहीं है। निष्कर्ष, कोई बल्ला विकेट नहीं है, दो सभी विकेट बल्ला है। आंसर इसका डी, न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 2/3 4/7 11/21 16/31 क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है क्या आएगा? आंसर इसका सी 7/13 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 7/13। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या का चयन कीजिए। पेड़, पौधा, घोड़ा। आंसर इसका डी बछेड़ा। शायद इसका शावक भी हो सकता है, लेकिन बछेड़ा जो कि की के अनुसार बछेड़ा दिया हुआ है, शावक से घोड़ा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। क्वेश्चन नंबर 96, गुलदस्ता फूल, वाक्य से शब्द। क्वेश्चन नंबर 97, 0.16 अनुपात 0.0016 और फिर दे रखा है 1.02 क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना क्या आएगा? आंसर इसका एक ए 0.0102। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संबंधित संख्या वर्ण को चुनिए। 2a 9b 6c 13d क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा बी 10। क्वेश्चन नंबर 99, MNOLRIV क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना आएगा ई, जो कि MN का विपरीत OL का, RI का V का विपरीत है ई। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र को मोड़ने पर सामने की आकृति कैसी होगी? आंसर इसका बी, जो ये आकृति दी है ई एफ और डी, ये आकृति मोड़ने पर बनेगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये था आज का
क्वेश्चन पेपर फॉरेस्टर का मॉर्निंग सेशन था, कैटेगरी नंबर 12 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2015, सीरीज है सी। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स के पास यह की पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।